हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा, हम लोग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, है ना। मानव में निषेचन की क्रियाविधि, और इसमें देखे तो बेटा पल्लू कि जो मानव के अंदर निषेचन है, इसकी क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता बेटा, कि सबसे पहले क्या होगा कि जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक तक क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, है ना। तो युग्मकों का सन्निकटन, पहले वो निकट पहुंचेंगे, है ना, और निकट पहुंचने के बाद वो फिर जुड़ेंगे, तो उस क्रिया को यह उत्तार्जन कहा जाता है। तो फिर आएगा बेटा शुक्राणुओं का योगतार्जन, शुक्राणुओं का योगतार्जन या अंडाणुओं के साथ इसका क्या होगा, संपर्क। अगला आता है बेटा एक्रोसोम की क्रिया, एक्रोसोम की क्रिया के बाद फिर आता है अगला स्टेप कि ये जब हो जाएगी तो अंडाणु का सक्रियण, बता रखा है आपको अंडाणु का सक्रियण, दो स्टेप बताए थे, दो पहलू काम करते हैं, एक सक्रियण और एक उभय मिश्रण। तो अंडाणु का सक्रियण और पांचवा बेटा उभय मिश्रण। तो इस तरह से मानव के अंदर निषेचन की क्रियाविधि इन चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होता बेटा कि एक विशेष जाति का शुक्राणु अपनी जाति के अंडाणु के साथ ही क्या होता है, निषेचित होता है। तो एक जाति का जो शुक्राणु है अपनी जाति के अंडाणु के संपर्क में आता है, और उसका इस तरह से संपर्क में आना या उसकी ओर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, युग्मकों का सन्निकटन कहलाता है। क्लियर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही कोई शुक्राणु इस अंडाणु के संपर्क में आता है, इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि ये संपर्क में आएगा, तो इसके संपर्क में आने की प्रक्रिया यानी शुक्राणु का अंडाणु के संपर्क में आना ही क्या कहलाता है, योगतार्जन कहलाता है। क्लियर। वो क्या कहलाता है, योगतार्जन कहता है, या शुक्राणु स्कलन के पश्चात अपनी जाति के अंडाणु को क्या करता है, निषेचित कर देता है, और उसी को योगतार्जन कैपिटेशन कहते हैं। तो योगतार्जन क्या है, दो रूपों में परिभाषित कर सकते हैं, शुक्राणु का अंडाणुओं की सतह के साथ क्या करना, जुड़ना, और अंडाणु को निषेचित करना योगतार्जन कहलाता है। क्लियर। अब हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, आगे क्या होती है आप लोगों की ये क्रिया जो होगी वो है कि जो शुक्राणु हैं इस शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजेशन और अंडाणु की जो सतह होती है इस पर बेटा फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजर नामक पदार्थ पाए जाते हैं। तो अंडाणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजर नामक पदार्थ पाया जाता है, जबकि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजर नामक पदार्थ पाया जाता है, और इनके मध्य में इस प्रकार से क्रिया होती है जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य में क्रिया होती है। क्लियर। प्रतिजन प्रतिरक्षी के समान इनके अंदर क्रिया संपन्न होती है। अब अगला स्टेप आता है बेटा एक्रोसोम की क्रिया। इस एक्रोसोम की क्रिया में क्या होता है,
तो एक्रोसोम की क्रिया का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे ही सबसे पहले अंडाणु के संपर्क में शुक्राणु का कौन सा भाग आता है, सिर वाला भाग आता है, और सिर में भी हम लोगों ने देख चुके दो भाग होते हैं, एक एक्रोसोम वाला भाग होता है और एक केंद्रक होता है। तो सबसे पहले एक्रोसोम वाला भाग इसके संपर्क में आता है, एक्रोसोम वाला भाग जब इसके संपर्क में आएगा तो एक्रोसोम के द्वारा हम लोगों ने देखा था एक स्पर्म लाइसिन प्रकृति का एक एंजाइम था, हाइलुनिडेज एंजाइम। उस हाइलुनिडेज एंजाइम को क्या किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है, और वो एंजाइम क्या करता है, इस अंडाणु के चारों ओर पाए जाने वाली अंडकलाओं को भेद देता है। क्लियर? जैसे ही वो अंडकलाओं को भेदेगा तो ये शुक्राणु का सिर वाला भाग इसके अंदर प्रवेश करेगा। धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं कि संपूर्ण अंड शुक्राणु ही इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही शुक्राणु कहाँ पहुंचा बेटा, आप लोगों के अंडाणु के अंदर पहुंचा, तो तुरंत अंडाणु के अंदर कुछ क्रमिक परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ बलकुटी क्रियाएं इनके अंदर संपन्न होती हैं। क्लियर? उपापचयी सक्रियण हो जाता है, बलकुटी क्रियाएं संपन्न होती हैं, है ना, निषेचन शंकु का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, और इस क्रिया को अंडाणु का सक्रियण कहा जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा कि शुक्राणु के अंदर एक नर केंद्रक था, अंडाणु के अंदर खुद का केंद्रक है, जिनको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ बेटा, प्राक केंद्रक कहा जाएगा। एक नर का प्राक केंद्रक होगा, एक मादा का प्राक केंद्रक होगा, और इस प्रकार से नर प्राक केंद्र और मादा प्राक केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया ही उभय मिश्रण कहलाती है, और इसी उभय मिश्रण को हम लोग निषेचन भी बोल सकते हैं। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं, दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक आती है मोनोस्पर्मी और एक आती है बेटा पॉलीस्पर्मी। ये क्या है? तो ऐसा निषेचन जिसमें अंडाणु में केवल एक शुक्राणु ही प्रवेश करता है, मोनोस्पर्मी कहलाता है, और ऐसा निषेचन जिसमें अंडाणु के अंदर एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश करते हैं, पॉलीस्पर्मी कहलाती है। सामान्यतः यदि हम लोग बात करें तो मछलियों के अंदर, उभयचर प्राणियों के अंदर, या हम लोग बेटा बात करें स्तनियों के अंदर, इस प्रकार की घटना पाई जाती है। जबकि कीट पक्षी सरीसृप वर्ग के जंतुओं के अंदर, कीट पक्षी और सरीसृप वर्ग के जंतुओं के अंदर पॉलीस्पर्मी की घटना पाई जाती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेटा आपको एक कई कंसेप्ट बतलाए थे कि उनको हमको देखना है। एक हम लोग देख के आए हैं, देखना हमें स्खलन क्या होता है ना, इजेकुलेशन क्या होता है, स्खलन क्या होता है। क्लियर? इसको समझे हम लोग, स्खलन किसे कहेंगे, स्खलन क्या है ना। देखो आप लोग प्रीवियस हम लोगों ने कई शब्द समझना चाह रहे थे, तो स्खलन का मतलब क्या है कि नर प्राणी के द्वारा शुक्राणुओं को मुक्त करने, क्या कहलाता है, स्खलन कहलाता है। नर प्राणी द्वारा शुक्राणुओं को मुक्त करना स्खलन कहलाता है। और इसके बाद है बेटा वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन क्या है, इंसेमिनेशन क्या है? तो ये है बेटा आप लोगों के कि नर प्राणी के द्वारा जो वीर्य है उसको मादा की योनि के अंदर मुक्त करना। नर द्वारा वीर्य को मादा की योनि के अंदर मुक्त करना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। तीसरी घटना की हम लोग बात करें वो थी आपके कृत्रिम वीर्य सेचन। तो बेटा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन, कि हम लोग किसी उन्नत किस्म जो होती है, नस्ल जो होती है,
उसके वीर्य को हम लोग भंडारित करके रख लेते हैं और उसको फिर हम लोग कृत्रिम विधियों के द्वारा मादा की योनि के अंदर उसको क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। यानी कृत्रिम रूप से भंडारित वीर्य का मादा की योनि के अंदर उसको पहुंचाना, स्थानांतरित करना कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। फिर हम लोग एक घटना योगतार्जन देखी थी जो जस्ट अपन लोग क्लियर करके आ चुके हैं। योगतार्जन क्या है, कैपिटेशंस क्या होता है, क्लियर है ना। तो ये हम लोगों ने क्या देखा आप लोगों के, मानव के अंदर निषेचन की क्रिया। अब हम लोग देखते हैं कि वही निषेचन की क्रिया होती है तो उस निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बेटा फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस जाइगोट के अंदर अब क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के विभाजन होते हैं, अनियमित रूप से समसूत्री विभाजन होते हैं और उस क्रिया को विदलन कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है, जो हम लोग आगे की क्लासों में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और एक टॉपिक और आता है बेटा, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है समूहन, एग्लूटिनेशन क्या होता है, नेशन क्या है, समूहन टी नेशन समूहन क्या है। तो समूहन को हम लोग बेटा समझे कि शुक्राणुओं के अंडाण के चारों ओर जो आवरण होता है उससे चिपकने को समूहन कहा जाता है ना। शुक्राणुओं का अंडावरण के साथ ही जुड़ना, अंडावरण के साथ चिपकना अथवा जुड़ना समूहन कहलाता है। क्लियर। तो आज की क्लास के लिए यही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।